बहुत अच्छा काम हमें लगा। एक्सपर्ट बंदे यहाँ काम करते हैं, जो सीट का काम करता है वो सीट का ही काम करेगा, जो लाइटिंग का काम करे लाइटिंग का ही काम करेगा, ऐसा नहीं है एक ही आदमी सारे काम कर रहा है। बढ़िया काम है, सुपर काम है, राइस जेन्युइन है। टीम वर्क है वो मुझे बहुत अच्छा लगा, जैसे कि जो स्पेशल जिस चीज में है वो उसी चीज में लगा हुआ है, ऑनेस्टी से काम होता है। आन बान शान है इसकी, पूरी DRL चेंज हो चुकी है, सीधा 80% डिस्काउंट आप लोगों के लेके आ चुके हैं। मिरर है ये, पहले मिरर चेंज हुए हैं, जैसा टॉप मॉडल का फंक्शन आता है चाबी से लॉक करने वाला वो फंक्शन इसमें डाला गया है। की कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलती है, क्लिप की में कुछ इस तरीके से कन्वर्ट हो चुकी है। कनेक्टिंग टेल लाइट है जो एज इट इज टॉप मॉडल की आती है वो पूरी चेंज हो चुकी है। स्टीयरिंग पूरा चेंज हुआ है अल्फा मॉडल वाला, एक प्रॉपरली अमेजिंग फिटमेंट के साथ पूरा सीट कवर है। 2500 रुपए से सिर्फ अपने पास सीट कवर शुरू हो जाते हैं। तो जी राम राम सही भाइयों को, क्या हैं भाइयों आप सबकी, उम्मीद करता हूँ बहुत ज़्यादा बढ़िया होंगे। भाइयों कृष्ण भाई के पास आए हम ऑटोनिक पे, भाई फ्रॉन्ग आ रखी है, स्पेशली यूपी से आई है भाई, काफ़ी दूर से गाड़ी आई है, बिजनौर से गाड़ी आई है, तो बढ़िया काम इस गाड़ी में हो रहा है, बिल्कुल बेस्ट टॉप सिग्मा टू अल्फा वाला काम, केवल अलॉय व्हील को छोड़ के गाड़ी में सारा काम किया जा रहा है। तो भाई एंड तक देखना, शानदार वीडियो होने वाली है, इंटीरियर बहुत शानदार हुआ है और आगे के DRL पीछे कनेक्टेड टेल लाइट सारा ही काम हुआ है विदाउट अलॉय, ठीक है भाई। तो वीडियो एंड तक देखना, बताऊंगा एंड में कितना कुछ गाड़ी का बजट है और कितना कुछ डिस्काउंट चल रहा है। तो वीडियो शुरू करते हैं, वीडियो शुरू करने से पहले नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक करके जरूर जाना। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी, आशा करता हूं स्वस्थ मस्त अपने घर में कुशल मंगल होंगे। अगेन आज फिर से मैं कृष्ण तिवारी एक नई वीडियो में आपका मोस्ट 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 वेलकम करता हूं, और आज फिर से आपके सामने आया हूं एक नई फ्रॉन्क्स लेके। जैसे आप देखोगे गाड़ी का अभी टेम्प्रेरी नंबर पे गाड़ी है, उत्तराखंड यूके गाड़ी का नंबर प्लेट है, और अभी एज इट इज आप अंदर जो है ना फुल पैक पड़ा हुआ है फ्रॉन्क्स से। आप देखो बाहर भी अंदर पैक होने के बाद बाहर भी फिर कुछ गाड़ियां जो है वो लगी अपनी फ्रॉन्क्स जो है, अभी अंदर चल के भी आपको दिखाएंगे, लगभग लगभग 12-13 गाड़ियां अभी टोटल फ्रॉन्क्स जो है वो टोटल खड़ी है। और ये गाड़ी जो है कंप्लीट पूरी हो चुकी है, मिड नाइट व्हाइट कलर जो है वो गाड़ी का कलर है, जो पल व्हाइट कलर आप बोलते हैं। और इस गाड़ी में एज अ सिग्मा मॉडल आया था गाड़ी, और ऐसा कुछ नहीं बचा जो टॉप मॉडल में लगता है और इसमें छूट गया हो, सिर्फ एक अलॉय व्हील और एक रियर वाइपर छोड़ के सारा कुछ हो चुका है। तो आपको डिटेल में सब कुछ दिखाने वाले हैं। सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अगर आप चैनल पे नए हैं, वीडियो में नए हैं, तो पूरे वीडियोस को आप देखिएगा, चैनल को देखिएगा, जिससे क्या है कि अगर आपने भी मारुति की कोई सी भी गाड़ी ली है, बलिनो, फ्रॉन्क्स, ग्लेंजा, ब्रिजा, ग्रैंड विटारा, स्विफ्ट या कोई ऐसा गाड़ी जो आप लेना चाह रहे हो, तो आप ऐसा इस हिसाब से अपनी गाड़ी भी कस्टमाइज करा सकते हो। तो देर नहीं करेंगे, देखते हैं कि क्या क्या इसमें है, प्लस आप और क्या क्या करा सकते हैं। सबसे पहले इसकी जो आन बान शान है, इसकी पूरी DRL चेंज हो चुकी है, पहले से जो लगा हुआ आता है सिर्फ एक डमी आता है जो आप जानते, एक कुछ नहीं आता उसके अंदर, सिर्फ ना एक येलो लाइट जलती है इंडिकेटर वाली। अब जो है 3 ice cube एक इंडिकेटर इसमें पूरा लग चुका है, जो आप सिर्फ चाबी लगाओगे वैसे ही आपका यहाँ पे जल जाएगा, और इसके साथ साथ जब आप पार्किंग ऑन करोगे तो पार्किंग में आपका एज इट इज वर्किंग रहता है प्रॉपरली, और इसमें भी इंडिकेटर पे आपका पूरा वर्किंग रहता है। दिन में भी इसकी काफी अच्छी खासी इंडिकेटर लाइट जो है वो आपको देखने को, अभी दिन का रोस्टिंग का टाइम है, फिर भी आप देखोगे कितना एक ब्राइटनेस के साथ आपको इंडिकेटर मिल रहा है, तो एक अच्छी खासी रोशनी इसमें भी मिल जाती है। इसके साथ साथ अगर मैं नीचे की तरफ बात करूं तो इसमें ऑलरेडी बेस मॉडल से कंपनी आपको प्रोजेक्टर ऑफर करती है, और प्रोजेक्टर के अंदर आपको पता है कि अगर हम सिर्फ एक LED लगा दें, वैसे तो हेडलाइट चेंज करने का ऑप्शन भी होता है, पर LED लगा दें तो इसका जो आउटपुट है, इसका जो थ्रू रिस्पॉन्स है वो बहुत अमेजिंग हो जाता है। तो अभी इसमें 180 वॉट LED है, और एज अ टॉप मॉडल से अगर डिपेंड हम कंपेयर करें तो लगभग 3 गुना ज़्यादा अच्छा इसकी रोशनी अभी हो चुकी है। एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ चला के, अब देख पाओगे यहाँ पे रोशनी बहुत अच्छी खासी रोशनी दिन में आपको दिख रहा है। ये देखो आप, ये लो बीम है जो नीचे की तरफ अभी आपको दिख रहा है, और ये हाई बीम है, दोनों ही आपको इतनी अच्छी रोशनी आपको दिन के टाइम पे मिल रहा है, और रात को आप खुद सोच सकते हो कि एक अमेजिंग रोशनी, एक अमेजिंग लाइट जो है वो आपको देखने को मिल जाएगा। और ये मैं आपको एज अ सिर्फ एक सिंगल हेडलाइट की बात कर रहा हूँ, इसमें कोई फॉग लाइट नहीं आती, कोई अलग से लाइट नहीं आता, तब आपको इतनी अच्छी रोशनी आपको आता है। इसके बाद ऑप्शन होता है आप पूरी फ्रंट ग्रिल चेंज करा सकते हो, वो अभी इस गाड़ी में नहीं हुआ है, पर इसमें आपको फ्रंट एज अ बैक फ्रंट कैमरा 360 कैमरे का व्यू फ्रंट कैमरा जो है वो लग चुका है, और इसके फिटमेंट भी देख सकते हो आप, प्रॉपर 0-0 फिटमेंट है, हर जगह से OEM फिटमेंट के साथ आपको मिल जाता है। ऐसे सेम आप साइड प्रोफाइल में आओगे, सबसे पहले अलॉय का ऑप्शन मिलता है आपको, अभी वो नहीं लगा है पर ऑप्शन होता है आपके पास, आप चेंज करा सकते हो। यहाँ पे मड फ्लैप लगे हैं, नेक्सा जेन्युइन एसेसरीज का जो पार्ट है, और इसमें भी जब ये गाड़ी आई थी तब हमने 25% डिस्काउंट जो है वो देना शुरू किया था, उसके बाद हमने 40% डिस्काउंट दिया, फिर आगे 60% डिस्काउंट दिया बहुत लंबे टाइम तक, फिर 80% डिस्काउंट दिया, और अब जो है 5 जून के बाद जो है वो सीधा 80% डिस्काउंट आप लोगों के लेके आ चुके हैं। जो एज इट इज़ आप यहाँ पे मड फ्लैप देख सकते हो, यहाँ पे जो नेक्सा जेन्युइन में आ जाता है, यहाँ पे G-Driven का साइड वेंट है, यहाँ पे इंडिकेटर आता है जो बेस मॉडल का पहचान होती है, साइन होता है, वो इंडिकेटर पूरा हट के पूरा यहाँ पे एज अ साइड वेंट लग गया है। आप क्रोम भी देख सकते हो, इसकी लाइफ टाइम वारंटी हो जाती है, और जो यहाँ इंडिकेटर होता है वो एज इट इज़ यहाँ मिरर में आ चुका है। मैं एक बार इसकी की निकाल के आपको दिखा देता हूँ, पहले तो आप की चेक कर सकते हो,
यहाँ पे की कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलती है, जो मारुति की हर गाड़ी में, एक ग्रैंड विटारा को छोड़ के हर गाड़ी में कुछ ऐसी की मिलती है, और वो की चेंज करके फ्लिप की में कुछ इस तरीके से कन्वर्ट हो चुकी है। जो एज इट इज़ आप देखोगे यहाँ पे जो मिरर है पूरा वर्किंग है, तो यहाँ पे आप की में कुछ इस तरीके से आप जैसे मैं लॉक करूँगा वैसे मिरर लॉक हो जाते हैं, और अनलॉक करूँगा तो अनलॉक हो जाएंगे। पहले तो आप यहाँ देख पाओगे यहाँ पे एज इट इज जो मिरर है ये पहले मिरर चेंज हुए हैं, उसके बाद फिर ये जो पल वाइट कलर है एज इट इज, जैसा टॉप मॉडल का एक फीचर आता है, फंक्शन आता है चाबी से लॉक करने वाला, वो फंक्शन इसमें डाला गया है, पूरा गाड़ी के कलर से मैच करता हुआ आपको डाला गया है। और ये भी कराने के लिए आप इजीली आने से एक दो दिन पहले आप ऑर्डर दे के आइए, अपना बुकिंग करा के आइए, तो आपका प्रॉपरली ये सेम चीज़ आपकी गाड़ी में भी इंस्टॉल हो जाएगा। इसके साथ साथ आप बात करें यहाँ पे जो इंडिकेटर आता है, वो इंडिकेटर आपका यहाँ पे लग चुका है, और यहाँ पे एक बहुत अच्छा लुक, बहुत अमेजिंग लुक के लिए यहाँ पे एज अ वेंट लग चुका है। इसके बाद इसके नीचे भी आप देख पाओगे कैमरा है जो 360 कैमरे का व्यू आपको देता है, जो सिर्फ एक टॉप मॉडल अल्फा मॉडल में जो एक फीचर आता है 360 का, उस फीचर के साथ यहाँ पे लग चुका है। इसका नेक्सा एसेसरी में रेन वाइजर है, नेक्सा जेन्युइन में आपका यहाँ पे हैंडल क्रोम है, नीचे साइड बिडिंग है, और इसकी अगर कॉस्टिंग की बात करूँ, प्राइसिंग की बात करूँ, तो वो भी मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। 2190 रुपये यहाँ पे डोर वाइजर की MRP होती है, 1490 रुपये अपना यहाँ पे हैंडल क्रोम की MRP होती है, और आपका 2490 रुपये जो है आपका साइड नीचे जो साइड बिडिंग है उसकी MRP होती है, उसमें से जो डिस्काउंट होता है वो आपका एज इट इज डिस्काउंट आप लेके आ सकते हो। इसके बाद यहाँ पे विंडो गार्निश है, डोर विंडो गार्निश है, इसके बाद डैम्पिंग हो चुकी है इसके अंदर, जो डबल ले डैम्पिंग होती है अपनी, यहाँ पे डोर गार्ड लग चुका है, वो भी एज अ कम्प्लीमेंट्री लगता है, और काफ़ी सेफ्टी के ऊपर लगता है, इससे क्या है कि दूसरी अगर गाड़ी कोई खड़ी है तो उसमें लगे ना, इसकी पर्पज से। इसके साथ साथ बैक में आ चुका हूँ, बैक में सबसे पहले इसकी पूरी कनेक्टिंग टेल लाइट है, जो एज इट इज टॉप मॉडल की आती है वो पूरी चेंज हो चुकी है, और यहाँ पे आप देखोगे एग्जैक्टली पूरी टेल लाइट जो है जेन्युइन मारुति की लगी है। और इसमें सबसे खास बात है कि यहाँ तक सिर्फ जो लाइट है वो जलती हुई थी, वो यहाँ से पूरा लास्ट आगे तक हो चुकी है, तो एक बहुत प्रीमियम लुक कहीं ना कहीं इसका भी आपको मिल जाता है। यहाँ पे बैक कैमरा है जो एज इट इज़ एक 360 व्यू कैमरा भी है, और बैक कैमरे का दोनों का काम करता है। यहाँ पे नीचे रिफ्लेक्टर है, और रिफ्लेक्टर की भी आप मैचिंग देख सकते हो, एज अ टेल लाइट से मैच करता हुआ है पूरा प्रॉपरली एज अ इंडिकेटर साइन के साथ, तो ये एक बेस्ट चीज़ आपको मिल जाता है। प्लस दूसरी तरफ अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जैसे इंडिकेटर वर्किंग है वैसे इंडिकेटर यहाँ पे नीचे की तरफ भी वर्किंग है प्रॉपरली पूरा फिटमेंट के साथ 0-0। इसके साथ में अगर अंदर की तरफ आ जाऊँ तो यहाँ पे पार्सल ट्रे का ऑप्शन होता है, बाकी अभी भैया ने कराया नहीं है, भैया का जितना भी सामान उतरा हुआ होता है सारा इसमें रख दिया गया है, एज अ टेल लाइट है, स्टीयरिंग है, DRL है, साइड मिरर है, आमरिस का पार्ट है, वो सारा कुछ इसमें रखा है। जितनी भी चीज़ें मैंने आपको बाहर दिखाया है उससे और ज़्यादा अमेजिंग तरीके से काम जो है वो अंदर हुआ है, तो चलते हैं अंदर और अंदर देखते हैं किस तरीके सारा काम। तो फाइनली अंदर आप देखेंगे सबसे पहले फुल एंड फाइनल इंटीरियर है इसका, जो बहुत प्रीमियम है। प्रीमियम कैसे है मैं आपको दिखा देता हूँ, इस पर आप जैसे ऐसे हाथ रख के देखोगे आप एक अच्छी खासी कुशनिंग आपको मिल जाती है, एक हैवीनेस, एक हैवी जो कुशनिंग है वो आपको मिल जाता है। व्हाइट कलर की गाड़ी है इसलिए हमने व्हाइट कलर की बर्फी के साथ कट का डिज़ाइन इसमें बनाया है, यहाँ पर डबल स्टिचिंग का यूज़ किया है व्हाइट कलर के अंदर ही, ब्लैक कलर का कॉम्बिनेशन रखा गया है, और जो इसका इंटीरियर कलर आता है ऐसा ब्राउन कलर का पूरा जो है वो कलर रखा गया है, और सेम इसी कलर का इसका पूरा डैशबोर्ड बनाया है गाड़ी का, पूरा सीट कवर बना है, और सेम कॉम्बिनेशन के साथ बना है, तो एक प्रीमियम कहीं ना कहीं प्रीमियम से भी ऊपर आपका ये पूरी गाड़ी बनी है। आप अगेन यहाँ पे चेक कर सकते हो एज अ टॉप मॉडल का इंटीरियर देख के और इस गाड़ी का इंटीरियर देख के बहुत ही ज्यादा लग्जरीज कहीं ना कहीं इसमें आपको देखने मिल जाएगा, क्योंकि जो कुशनिंग है ये कुशनिंग आपको टॉप मॉडल में भी नहीं मिलती, 19mm की कुशनिंग आपको इसमें मिल जाती है, सेम यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। इसके साथ साथ यहाँ पे हैंडल लीवर चेंज हो चुका है, यहाँ पे JBL के ट्विटर लगे हैं जिसका ट्विटर शैशे यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है, इसको ट्विटर कवर आप कहते हैं। इसका फ्लेट है वेलकम लाइट जिसको आप कहते हो, नीचे पूरी फ्लोरिंग हो चुकी है एज अ डाई वाली फ्लोरिंग, और काफी अच्छी फिटमेंट है हर जगह से देखो, 0-0 बिल्कुल फिटमेंट है, कहीं पे भी अनइवन नहीं है, ऊपर नीचे नहीं है। आप चलते हैं अंदर और अंदर देखते हैं कैसे फिटमेंट है सारी चीजें, कैसा सारा काम है। इसके साथ साथ फाइनली अंदर आ चुके हैं, और अंदर के साथ एक लग्जरी के भी ऊपर जो काम है वो सारा काम इसके अंदर दिखाने वाला हूँ आपको। सबसे पहले तो आप यहाँ पे स्टीयरिंग देख सकते हो, जो स्टीयरिंग पूरा चेंज हुआ है अल्फा मॉडल वाला, एज इट इज पूरा पियानो ब्लैक का है, और ये पियानो ब्लैक सिर्फ आपको एज अ एक लग्जरी फील देता है, जिसके अंदर लेदर है ऑलरेडी आपको कंपनी से लगा हुआ आता है, ये पूरा एक टॉप मॉडल का जो स्टीयरिंग आता है वो स्टीयरिंग है। यहाँ से कंट्रोल सारे वर्किंग मिलते हैं आपको, प्लस करेंगे हम प्लस होगा, माइनस करेंगे माइनस होगा, जैसे म्यूट करेंगे वैसे ही म्यूट हो जाएगा, तो सारा कुछ इसमें कहीं ना कहीं वर्किंग है। प्लस यहाँ से आप चेक कर सकते हो जो कॉलिंग का सेक्शन है वो ऑपरेट होता है। प्लस जैसे मैंने आपको 360 व्यू का कैमरा दिखाया था, एक बार मैं आपको अगेन वो भी चेक करा देता हूँ,
ये पूरा 360 व्यू है। अभी हम एक अच्छे खासे ट्रैफिक में बैठे हैं, उसके बाद भी बहुत अच्छी तरीके से कैमरा वर्किंग है। अगर मैं राइट साइड से दिखाऊंगा आपको, जितनी भी गाड़ियाँ जा रही है, जितने भी सारे व्हीकल जा रहे हैं, सारा आपको वर्किंग रहता है। ये फ्रंट साइड से आप देखोगे सामने गाड़ी खड़ी है, एग्जैक्ट नंबर भी दिख रहा है, और सारा यहाँ से देखो एग्जैक्ट चारों तरफ से जो व्यू है वो व्यू ले रहा है। यहाँ पे हल्का सा व्यू कट रहा है, क्यों? क्योंकि ये डोर अभी देखोगे खुला हुआ है, और प्रॉपरली आपको व्यू जो है वो कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है। इसके बाद ये फ्रंट से है, ये ऊपर से वर्ल्ड व्यू है, ऐसे सेम पीछे से आपको तीन अलग अलग एंगल से आपको जो है कैमरे देखने को मिल रहा है। सेम लेफ्ट से, लेफ्ट में मैं जितना टायर को मैं काटूंगा या जितना हम गाड़ी को ड्राइव करेंगे, जैसे भी देखो जितना काट रहा हूँ पूरा एग्जैक्ट आपको व्यू मिलता है प्रॉपर तरीके से। ऐसे ही मैं अलग अलग व्यू एंगल से देखो, जितना मैं टायर को यहाँ पे जिस एंगल से काटने की कोशिश कर रहा हूँ या काट रहा हूँ प्रॉपर आपको व्यू मिल रहा है। तो एक प्रॉपरली 360 जो एज अ टॉप मॉडल में जितनी क्लैरिटी आपको नहीं मिलती, उससे भी अच्छी क्लैरिटी कहीं ना कहीं आपको बेस मॉडल मिलती है। देख सकते हो आप लेफ्ट साइड में, राइट साइड में एज इट इज़ प्रॉपरली आपको देखने को मिल जाता है। दूसरी तरफ से देखो प्रॉपर टायर का व्यू देखो, यहाँ पे ऐसा मार्किंग भी है कि जितनी मार्किंग आपको मिलती है सेम एज इट इज़ प्रॉपरली आपको मिलता है। सेम ऐसा अगर दोनों तरफ से आप देखना चाहते हो प्रॉपर दोनों तरफ से आपको देखने को मिल जाता है एज इट इज़ डबल। यहाँ पे देखो, यहाँ पे डबल प्रॉपरली डबल टायर एक साथ आपको देखने को मिल रहा है। ये फ्रंट से पूरा व्यू है, ये बैक से पूरा व्यू है, पूरा वाइड एंगल व्यू आपको मिलता है, ये तो आपका पूरा एज इट इज़ मिलता है। और अगर 360 व्यू में आप जाना चाहते हो तो ये प्रॉपर पूरा 360 व्यू जो है वो आपको देखने को मिल जाता है। इसके साथ नेक्स्ट जनरेशन ब्रांड का आपका यहाँ पे सिस्टम है, जिसमें DSP साउंड इक्वलाइजर सेंटर जो होता है, सिस्टम होता है, वो आपको इसमें पूरा मिल जाता है। आपका डिज्नी हॉटस्टार, प्राइम वीडियो, हर एक चीज़ आपको इसके अंदर सेटअप आपको देखने को मिलता है। और प्लस हर चीज़ नेटफ्लिक्स आप देख सकते हो, टी लिंक ऑप्शन मिलता है। सबसे पहले आपका जेड लिंक ऑप्शन होता है, फिर उससे और हायर जो है वो टी लिंक ऑप्शन होता है। जैसे आप इसमें देख पाओगे जो 360 वाला सिस्टम है, इसके अंदर हमेशा टी लिंक का सिस्टम आता है, जैसे आप इसमें देखोगे। और का बैक गियर अब जैसे ही हम डालेंगे ऐसे बहुत अच्छी क्लियरिटी के साथ पूरा बैक कैमरा वर्किंग रहेगा। और यहाँ पे बैक कैमरा है, प्लस इस तरफ आप देखोगे तो प्रॉपरली पूरा एक 360 व्यू एंगल भी आपको मिल जाता है। तो एक हर चीज़ का एक प्रॉपर जो व्यू है वो आपको कहीं नहीं मिलता। ऊपर की तरफ रूफ लाइट है जो प्रॉपरली वर्किंग है, इसमें भी आप अच्छे से दबाओगे तो कहीं पे भी आपको ऐसा दबेगा नहीं, क्योंकि तो इसमें जो इसकी फ्रेम आता है पूरा, जो फ्रेम पूरा लग चुका है एक अच्छे तरीके से। यहाँ पे गियर नॉब चेंज हो चुका है, स्टीयरिंग में ऑलरेडी आपको दिखा चुका हूँ प्रॉपरली। यहाँ पे सेंटर आवरेज चेंज हो चुका है, AC इसके अंदर जो ऑन है, पीछे से वो ऑन हो चुका है, इसके अंदर भी पूरा एक अच्छा खासा स्पेस मिल जाता है। इसके बाद यहाँ पे आप डैशबोर्ड का पार्ट देख सकते हो, बिल्कुल फिट एंड फिनिश से, बहुत ही प्रीमियमनेस के साथ पूरा स्टीयरिंग है, पूरा आपका डैशबोर्ड है। आप कॉर्नर चेक करो, कहीं पे भी अनइवन नहीं है, हल्का सा भी गैप नहीं है, जैसा पहले से आता है एज अ शोरूम से जैसी गाड़ी आती है एज अ डिलीवर लेके, सेम वैसा ही है, कहीं पे कोई एक्स्ट्रा गैप नहीं है, कोई भी चूचें पै पै आवाज़ नहीं आने वाला। तो एक जो प्रॉपर फिनिश टू फिनिश काम होता है ना, वो बिल्कुल फिनिश टू फिनिश काम आपको मिलता है। इसकी स्टिचिंग आप देख सकते हो, बिल्कुल 0-0 स्टिचिंग है, ये एक बहुत अमेजिंग चीज़ है जो आपके सामने में है। इसके साथ सीट कवर की तरफ आप अगर चलें तो एक प्रॉपरली अमेजिंग फिटमेंट के साथ पूरा सीट कवर है, हर जगह से 0-0 फिटमेंट है इसका। एक पहले तो ऐसा एक जो है ना अपना सीट कवर ऐसा सिर्फ पकड़ के आप देख लो, इतना ज़्यादा फाइन फिनिश के साथ है। इसके बाद जो इसमें सिमेट्री होती है, वो सिमेट्री आपको बहुत अमेजिंग फील कराती है। इसमें जितना मर्जी ऐसा नीचे बिठा लो ऐसा कुशनिंग, वो कभी कुशनिंग आपको नीचे दबेगा नहीं। इसका रीज़न यह है 40 mm की कुशनिंग होती है इसमें पूरा, जिसमें से 19 mm तो एज अ फैब्रिक के साथ पेस्ट होता है और 21 mm का मेमोरी फोम लगा होता है, जिससे आपका कभी भी फोम नहीं दबता। और कॉस्टिंग की अगर मैं बात करूँ सीट कवर की, 2500 रुपये से सिर्फ अपने पास सीट कवर शुरू हो जाते हैं। उसके ऊपर जैसा शोरूम में कंपनी में आपको सीट कवर मिलता है, वो सीट कवर अगर लोगे कंपनी में 4,500-8,000 का मिलेगा, अपने पास 4,000 रुपये का मिलेगा, वो भी बकेट फिटिंग, नॉर्मल फिटिंग नहीं कह रहा मैं आपको, बकेट फिटिंग में। अगर चाहो तो आप उसको नॉर्मल भी करा सकते हो, बाकी बकेट फिटिंग होता है अपने पास। इसके ऊपर 5,500-4,500 रुपये नापा लेदर, साखा लेदर, उसके ऊपर रॉयल टच आपका 7,500 रुपये बिल्कुल फाइन फिनिश के साथ, लाइफ टाइम वारंटी के साथ होता है वो भी। उसके ऊपर 9,500 रुपये सोफा लेमिनेशन, 12,500 रुपये प्रीमियम सोफा लेमिनेशन, जो 40 mm की कुशनिंग होती है और हमारा ऑल ओवर इंडिया फेमस है, और आज से 5 साल पुराना सीट कवर है। 5 साल पहले भी हमारा यही रेट था, आज भी हमारा यही रेट है। आप जाके हमारी 5 साल पुरानी 2019 से वीडियोज चेक कर सकते हो, यही रेट है 12,500, हमने कोई रेट नहीं बढ़ाया इसमें, और हो सकता है फ्यूचर में बढ़े तो आपको बता देंगे, पर अभी यही रेट है, जब तक चल रहा है। बाकी अगर फ्यूचर में जैसे पीछे से अगर कभी हमारा लगा कि बढ़ाना चाहिए तो हम ज़रूर आपको बढ़ा के देंगे, पर अभी ऐसा कुछ नहीं है, अभी 6 महीने साल बाद यही रेट रहने वाला है। और बहुत अच्छी खासी जो कुशनिंग है वो कुशनिंग आपको मिल जाती है इसमें। यहाँ पे आप देखोगे जो डिज़ाइन बनाया हुआ है डबल टोन के अंदर, ब्लैक का कॉम्बिनेशन है एज अ जो पूरा ब्राउन का कलर का आपका कॉम्बिनेशन है, पूरा कॉम्बिनेशन के अंदर रखा गया। व्हाइट कलर की गाड़ी है जैसे मैंने बताया, वैसे व्हाइट कलर की छोटी छोटी पाइपिंग
आपका बर्फी का यूज़ किया हुआ है, बिल्कुल परफेक्ट तरीके से पूरा सीट कवर है, कहीं पे भी एक हल्का सा रिंकल नहीं मिलने वाला सीट कवर में, कोई एक्स्ट्रा थ्रेड नहीं मिलने वाला, ये सबसे अच्छी चीज़ आपको इसमें मिल जाती है। कहीं पे भी आप अगेन फिर चेक कर लो, इतनी अच्छी फिटमेंट देने का रीज़न यही है कि खुद की मैन्युफैक्चरिंग में बनता है, तो जो फिटमेंट आती है, जो बनाने का तरीका है, वो बिल्कुल परफेक्ट तरीके से बनता है। प्लस जो अपने पास कारीगर हैं इसके फिट करने वाले, वो बहुत शानदार है और रेगुलर बहुत सालों से बहुत अच्छी तरीके से फिटमेंट कर रहे हैं, जिसकी वजह से इतनी शानदार फिटमेंट मिलती है आपको। और हमेशा मैं कहता हूँ आपको, ये सिस्टम, ये स्टेयरिंग, ये गियर नॉब, ये आर्मरेस्ट आपको इंडिया के किसी भी कोने में मिल जाएगा, पर ऐसा सीट कवर आप कहीं भी कंपेयर कर रहे हैं ना, किसी भी कोने में हिंदुस्तान के आपको कहीं नहीं मिलने वाला। इतना शानदार, इतना अमेजिंग सीट कवर आपको सिर्फ ऑटो यूनिक में मिलेगा इस प्राइस के अंदर। ये चीज़ है, अगर कोई इस रेट में, मतलब कोई अगर इस क्वालिटी में दे भी रहा होगा ना, इसके 19-20 क्वालिटी होगी भी किसी के पास, तो सीट कवर 15,000 छोड़ो 20,000 से भी ऊपर होगा मेरे दोस्त। और 12,500 रुपये की क्वालिटी में देना ही एक अमेजिंग बात है, जैसा आपको मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ। इसके साथ साथ ही बहुत छोटी छोटी चीज़ें और लगी हैं यहाँ पे, गियर नॉब है, बाकी जो चीज़ें कॉम्प्लीमेंट्री होती है अपना यहाँ पे देखोगे, परफ्यूम है, फैब्रिक है, कई चीज़ें भैया को मिल जाती है ऑलरेडी, वो कोई बोलने वाली बात नहीं है। देखो जो बता के दिया जाए वो दिया ही कैसा जाए, तो हम कभी भी ऐसा वीडियो में नहीं बताते कि ये कॉम्प्लीमेंट्री वो कॉम्प्लीमेंट्री। बाकी ये है, बहुत सारे लोग बोलते हैं भैया सारी वीडियो में सब बोलते हैं ये कॉम्प्लीमेंट्री वो कॉम्प्लीमेंट्री वो कॉम्प्लीमेंट्री, आप नहीं बताते। हम आते हैं, कस्टमर काम होता है, अपने आप हम सामने से दे देते हैं, तो ये हमारी खुद की हमारी खास बात है। बाकी एक चॉइस होती है आपके पास, एक होता है बता के देना, एक होता है बिना बताए देना, वो चीज़ है। बाकी यहाँ पे वैनिटी मिरर का ऑप्शन हो जाता है, आई एरमियम का यहाँ पे वैनिटी मिरर का ऑप्शन हो जाता है। बाकी छोटी छोटी चीज़ें बहुत सारी लगी अंदर, आप देखोगे यहाँ पे मिरर का कंट्रोलर है जो एज इट इज़ वर्किंग, आप देख पाओगे यहाँ पे नीचे की तरफ जो प्रॉपरली मिरर कंट्रोल कर रहा है, यहाँ तक कि एडजस्टेबल पूरा है। जैसे ही मैं अंदर की तरफ करूँगा देखो पूरा नीचे जा रहा है, यहाँ पे पूरा एज इट इज़ इधर से ये देखो नीचे जा रहा है, अंदर की तरफ करूँगा पूरा अंदर की तरफ जा रहा है, तो सारा कुछ एज इट इज वर्किंग है। अब चलते हैं ओनर से जानते हैं सारा काम कैसा लगा उनको, सारी चीज़ें किस तरीके से सारा काम था। मुझको और जितनी चीज़ मैंने आपको दिखाई है बिल्कुल जेन्युइन जो आता है मारुति का, एज इट इज़ वही दिखाया आपको। अब चलते हैं भैया के पास और जानते हैं सारा काम कैसा रहा और सारी चीज़ें क्या थी। तो क्या नाम है भैया आपका? नीरज कुमार है। कहाँ से आए आप? हम यूपी बिजनौर से आए हैं। स्पेशली बिजनौर से चल के आप दिल्ली में आए हैं? हाँ, बिजनौर से गाड़ी से आए हैं। गाड़ी को बिजनौर से एज अ मॉडिफाई कराने के लिए। तो कैसे पता कैसे लगा था? हमने आपकी वीडियो देखी थी, वीडियो पे हमें आपके कई बाकी और चैनल पे बहुत सारी वीडियो हमने देखी, लेकिन हमें लगा जेन्युइन, आपकी वीडियो देख के हमें लगा यहाँ जेन्युइन काम होता है। फिर हमने थोड़ा सा मार्केट, बहुत हल्का सा मार्केट सर्वे भी हमने किया जी, फिर हमें यहाँ प्राइस का भी जेन्युइन लगा और बाकी हमने काम होते हुए भी देखा, बहुत अच्छा काम हमें लगा। एक्सपर्ट बंदे यहाँ काम करते हैं, जो सीट का काम करता है वो सीट का ही काम करेगा, जो लाइटिंग का काम करे वो लाइटिंग का ही काम करेगा, ऐसा नहीं है एक ही आदमी सारे काम कर रहा है। ये हमें बहुत अच्छा लगा इस काम, बहुत बहुत धन्यवाद। शूटिंग बहुत अच्छी लगी हमें और ये बिल्कुल परफेक्ट चीज भैया ने बताया जो मैं भूल रहा था अभी तक, स्पेशली ये सही बात है और ऐसा ही होना चाहिए। ऐसा ही होता है, बढ़िया काम है, सुपर काम है, प्राइस जेन्युइन है। मुझे भी बहुत अच्छा लगा आपका काम, जो आपकी टीम वर्क है वो मुझे बहुत अच्छा लगा, जैसे कि जो स्पेशल जिस चीज में है वो उसी चीज में लगा हुआ है, हमें ये नहीं देखना पड़ा कि ये भैया क्या कर रहा है वो क्या कर रहा है, हम आराम से बैठे हैं, अब अच्छा केबिन बना हुआ है, कोई दिक्कत हमें नहीं हुई है। सुबह हम आ गए थे चल के, काफी अच्छी क्वांटिटी में यहाँ गाड़ी आती है और भैया करते हैं बहुत अच्छे से काम। बहुत बढ़िया सर, आपको एक बात है, एक बात और ऐड करना चाहूंगा, जो हमारा सामान है वो सारा हमारा सामान पैक कर दिया गया है, बिल्कुल ऑनेस्ट काम होता है, ऑनेस्टी से काम होता है भैया ने, सब चीजें हमें प्राइस में बहुत जेन्युइन है, सारी चीजें और जो सामान निकला हुआ था वो भी टैली कराया, बिल्कुल ऑनेस्ट काम कर रहा है। क्या बात है जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी, आप कहते हैं कुछ बहुत अच्छे हैं, अगर आगे अगर थोड़ा टाइम नहीं लग रहा है तो अच्छे रेस्टरूम अच्छे बने हुए हैं, अच्छे अकोमोडेशन है, आप अच्छे से सोफे पे बैठो अगर आपको टाइम भी लग रहा है तो। सारा कुछ मतलब परफेक्टली है कि आप आएंगे तो इजीली आपका सारा परफेक्ट तरीके से हो जाएगा। हाँ, एक ऐसा हाईवे पे अपना है तो कोई भीड़ में नहीं जाना पड़ रहा आपको या ढूंढना नहीं पड़ रहा, एक सेंटर पूरा रोहतक रोड है जो दिल्ली को पूरा कनेक्ट करती है, इस रोड पे स्टार्टिंग में ही है अपना रोहतक रोड के, तो ये बहुत अच्छी चीज है। बाकी अगर भैया आप लोग की वीडियो देख के आप लोगों के रिकमेंडेशन से अगर कोई आना चाहता है तो आप आगे रिकमेंड करेंगे? हम बिल्कुल रिकमेंड करेंगे भैया, क्योंकि हमें काम अच्छा लगा, देखो पैसे तो सब खर्च करते हैं जी, अगर काम अच्छा हो जाए तो अपना एक सेटिस्फेक्शन अलग ही मिलता है, तो इसलिए हम रिकमेंड करेंगे, अच्छा काम होता है तो मेरी यही कहना है कि फर्स्ट प्राइस आप यहीं देना। तो जी भाई कैसा लग रहा है एक बार कमेंट करके बता देना भाई, सारा ही गाड़ी में काम किया गया है और ये जितना भी काम हुआ है सारा हुआ है भाई 90,000 रुपये के आसपास, तो कैसा लग रहा है एक बार लाइक शेयर कमेंट करके जरूर जाना, नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बाकी वीडियो को शेयर करो,
इतना ज़्यादा शेयर करो भाई, जो भाई फ्रॉन्क्स ले रहे हैं उनको पता चल जाए ये कुछ काम करा सकते हो आप। बाकी 80% ऑफ आपको फ्रॉन्क्स की जेन्युइन सीरीज पे चलने वाला है, मैंने आपको बता ही दिया है। बाकी लाइक शेयर कमेंट करके जरूर जाना भाई, और नए चैनल को सब्सक्राइब कर देना, शेयर करना वीडियो, कमेंट करके बताना गाड़ी कैसे लग रही है, ठीक है भाई। बाकी ऐसे प्यार बनाए रखो, सपोर्ट बनाए रखो, मिलते हैं फिर किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय दोस्तों।